सारे मर्द सावधान, क्योंकि आपके कपड़े पहनने पर लगने वाली है पाबंदी। शहर में एक पागल छूटकर भागा है और वो मर्दों के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, क्योंकि उसे मर्द पैंट शर्ट में नहीं बल्कि टॉवल में पसंद है। अगर गलती से भी उसको कोई टॉवल के बिना दिख गया तो वो उसे चेतावनी के तौर पर 3 थप्पड़ मारता है। 3 संख्या के बाद उसे कुछ भी नहीं आता। 4थी बार वो गायब कर देता है अपने शिकार को। ओह माय गॉड पिंटू जी, आप अपने कपड़े निकाल के जल्दी से टॉवल पहन लीजिए। I mean, पिंटू भाभी कितनी लकी है, उनको तो टॉवल पहनना ही नहीं पड़ेगा, वो तो अपनी साड़ी में ही ठीक है। सही कहा आपने। इलायची के पापा, तुम भी जल्दी से शर्ट उतार दो और टॉवल लपेट लो। अरे शहर में पागल आदमी घूम रहा है। पिंटू तू भी पंचम को बोल शर्ट उतार ले, और मैं टॉवल लाती हूँ पंचम के लिए भी। पंचम बेटा शर्ट निकाल लो। क्या? अरे ये न्यूज वाले तो कुछ भी उठपटांग दिखाएंगे, जरूरी थोड़ी हम हर बात पे बिलीव कर ले। कोई कपड़े नहीं निकालेगा अपने, जीजा जी आप बिल्कुल ही निकालेंगे। सही कह रही है इलायची। कल के दिन वो पागल आदमी कहेगा कि मुझे आदमियों का छमिया नाच देखना है, तो क्या मैं चौराहे पे छमिया बनके नाचूंगा? ऐसे नाच लो। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, मेरे तो भागे फूट गए। अरे यार ओफो, अम्मी अम्मी ये रोना बंद करो। देखो कोई कपड़े नहीं निकालेगा और इसके लिए मेरे पास इलाज है। जीजा जी आप ना बाहर जाइए, एक चक्कर लगा के आइए, ताकि सबकी गलत फहमी दूर हो। प्लीज प्लीज जाइए। हाँ बिल्कुल, कोई नहीं इलायची जी। ऐसे तू मैं हाँ कुछ ना होगा, देख लो जाके जा देख जा। अरे सेठ जी लाखों लोग है दिल्ली में, ऐसे कैसे वो पागल को पता चल जाएगा कि हम शर्ट पहन के बाहर आ रहे हैं। अरे आ जाओ जा, देखें। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। बहुत जोर से मारा है। इलायची के पापा, अब तो तुमने अपनी आंखों से देख लिया ना। हाँ चलो जल्दी से कपड़े उतारो और ये टॉवल लपेट लो। देखो छटंकी भैया ने भी टॉवल पहन लिया है। कैसी बातें कर रही है तू? हैं? मैं ना पहन पाऊंगा? तुझे पता ना है जब मैं पैदा हुआ था तब मैंने नर्स का रूमाल खींच कर लपेट लिया था, इतनी शर्म आती है मुझे। मैं ना पहनूंगा तौलिया। अरे जीजा तेरा शरीर तो वैसे भी आटे की थैली हो रखा है, समझे? किसी की नजर पड़ेगी भी तो अपनी आंखें बंद कर लेगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। अरे तेरी खुद की इज्जत का मुरब्बा बना रखा पहले से, अब मेरी इज्जत का और अचार डाल दे। मैं ना लपेट रहा तौलिया ना। छटंगे भैया ये ऐसे नहीं मानेंगे, तुम उधर से पकड़ो और मैं इधर से पकड़ती हूँ। हाँ। अरे कैसी बात कर रही है तू? एक पे दो चलेंगे। पकड़ो छटंगी भैया, चलो चलो। अरे इलायची पापा, ये रुको मत, पकड़ो छटंगी भैया ये। चरंगी भैया पकड़ो, रुक जाओ इलायची के पापा, अब कहाँ जाओगे बच के? इलायची के पापा
इलायची के पापा। इलायची के पापा फिर से भाग गए, मेरे तो भाग ही फूट गए। अबे यार ये पागल बड़ा असली लो रखा है, बताओ अब मर्द कपड़े ना पहनेंगे। अब क्या इसी दिन के लिए बंदर से इंसान बने थे? चारा मिल जाए ना इसको तो मार मार के तंबू बना दे, पल्ले ना पड़ा भी हमारे। वही तो यार, पहले तो मुझे लग रहा था कि शायद अफवाह है, पर भाई वो जब से उसने मुझे छापा मारा है ना तब से डर लग रहा है भाई उस आदमी से। अरे इलायची जी आप जीजाजी छत पर हैं? जी इलायची जी, जीजाजी छत पर हैं और फिलहाल बचने की तरकीबें ढूंढ रहे हैं ताकि आत्मरक्षा कर पाए। सॉरी जीजाजी, ये मेरे अच्छे वाले टैटू की वजह से आप ना कपड़े पहनने के रहो ना एक कपड़े उतारने के, I'm sorry। सही कह रहे हो इलायची जी, मैं ना चाहता कि मेरा इतना अच्छा खासा दोस्त बड़ी मुश्किल से खिला पिला के बड़ा किया और ये दोस्त जो है ना मेरा दिल्ली के नक्शे से गायब हो जाए। हो पिंटू जी, जीजा जी के दिल्ली के नक्शे से गायब होने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। जीजा जी लेकिन एक बात तो क्लियर है, ये जो टैटू है ना यहाँ पे इधर ही है। इधर ही है इलायची जी, बस करिए आ जाएगा। वो टैटू हमें निकलवाना पड़ेगा। निकलवाना पड़ेगा? पर इलायची जी हमने तो सुना है कि टैटू इतनी आसानी से निकलता ही नहीं है। हाँ तो जीजा इश्क में कुछ आसान नहीं होता है, हमने सुना नहीं है वो वाली कहावत कि आग का डांडिया है और हमें मतलब जल के खेल जाना है। क्या? देखिए लाइसी जी आप शेर मत बोला करो, वो क्या है ना शेर लिखने वाले आपके घर पे धरना दे देंगे शेर बिगाड़ने के लिए। ये मतलब फीलिंग्स मत देखना यार। देखो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हाँ यार मतलब मैं थोड़ी मतलब काफी पागल थी इस टैटू के लिए। लाइसी जी आप, लेकिन मुझसे बड़ा पागल है घूम रहा है ना चांदनी चौक में, इस टैटू की वजह से मैं आपको नहीं खो सकती हूँ, आप दूर नहीं जा सकते यार। वही तो हम भी कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं लाजी। अब देख कपड़े तो तू पहन ना सकता, अब बिना कपड़े पहने घूमेगा तो सेठ जी देख लेंगे तेरा ये टाइटू। अब सेठ जी ने एक बात देख ली ना तो फिर एक टाइटू सेठ जी बनाएंगे अपने हाथों से, ऐसे चौकू घोंप घोंप ऐसे ऐसे बनाएंगे ऐसे ऐसे। देखिए लाजी जी क्या मतलब, चीजा जी तो फंसे और जैसे चीजा जी फंसे ये मेरे वाले भी साड़ी और अपना ब्लाउज छोड़ के कूद पड़ेंगे बाहर। जीजा जी देखो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, हमें सबसे पहले ये करना है कि वो टैटू वाले के पास जाना और ये जो ये वाला जो टैटू है ना उसे पूछेंगे कि कैसे निकल सकता है, क्योंकि मैं इस टैटू की वजह से आपको हमेशा के लिए नहीं खो सकती हूं। इलायची जी हम भी आपको नहीं खोना चाहते हैं। वाह नाइस ग्रेट वाह। अरे टैटू पास है भैया खाओ। आ जाओ जी अंदर हूं। किधर? अच्छा इधर बैठो बैठो। हेलो हेलो, हाय हाय हाय, बन जाएगा बन जाएगा, हर प्रकार का टैटू बन जाएगा। ओके ओके थैंक यू, बाय बाय। टैटू भाई साहब ये टैटू निकलवाना है। सेठ जी आप यहाँ? वो खाना ज्यादा खा लिया ना तो इसलिए टहलने निकले आया। दुकान के अंदर ना ना वो थक गया तो मैंने कहा चलो यहाँ पे पूछ लूँ, वो लोटे को ना वो टैटू बनवाना है ना तो वो पूछना आया था यहाँ यहाँ बैठ के। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू सी विद आईज वाइड ओपन न्यूज, आई अभिनीत मुखर्जी वेलकम। मैं अभिनीत मुखर्जी आपका स्वागत करता हूं खुल के देखो न्यूज में। सूत्रों के अनुसार तमाचा मार सनकी का कहर भरी गर्मी में आतंक बन के दिल्ली पर गिर रहा है। जी हां करोल बाग से अमित महोदय ने उस महोदय की बात नहीं मानी और नतीजन ये हुआ कि तीन चाटों की चेतावनी के बाद भी वो आदमी कपड़ों की आड़ में ढका हुआ निकला।
जी हाँ, कपड़ों की आड़ में वो ठका हुआ निकला और नतीजन क्या हुआ कि वो इस दिल्ली से तो क्या, मुझे तो लग रहा है कि उसका नामो निशान इस पूरी दुनिया से मिट गया है। मौका है वारदात पर उसके वस्त्र बरामद हुए। सुन, तू मेरे बारे में तो काफी इंक्वायरी कर रहा है, ये बता तू यहां क्या कर रहा है? हम तो बस जा रहे थे। लेकिन तू छुपा क्या रहा है ऐसे दोनों हाथ से? देखा, कुछ भी नहीं है। अरे कुछ नहीं कहते, तू दोनों हाथ से ऐसे छुपा रहा है, उससे लग रहा है तू कोई भयंकर कांड करके आ रहा है। देखा। नहीं सर जी, वो हम आपको सब कुछ सच सच बताते हैं। दरअसल वो क्या है ना कि हमने भी ये टैटू वाले भाई साहब से टैटू बनवाया था बुबू की आंखों का, लेकिन वो क्या है ना कि उनकी आंखें काफी भयंकर लग रही है टैटू में, तो हम बस निकलवाने आए हैं, क्योंकि अगर बुबू ने देख लिया ना तो वो हमारा मुक्का मार के मुंह तोड़ देंगी और काफी नाराज हो जाएंगी, इसीलिए आए हैं हम। वेलकम बैक टू सी विद आइज वाइड ओपन हेडलाइंस। इट्स अ लवली डे, bright sunshine, and I believe you must be holding a nice cup of hot coffee. You know, अगली बुरी खबर, डिफेंस कॉलोनी से शेखर शुक्ला घर से दूध लेने के लिए निकले, लेकिन वापस उनका सिर्फ पजामा कुर्ता आया, वो खुद ना आए। जी हाँ, तमाचा मार सनकी की चेतावनी लोगों को मजाक लग रही है और एक एक करके वो सनकी अपने शिकार पर हमला करता जा रहा है। आगे की खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए और सही अपना काम निपटाइए। देख रहा है उस पागल से ज्यादा तो ये न्यूज वाला डरा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शेर जी, बन जाएगा हर प्रकार का टैटू बन जाएगा। ओके बाय बाय, थैंक यू। अरे भाई साहब, हमें ये टैटू निकलवाना है। वाओ, टैटू बनवाना है, एक और टैटू बनवाना है। वाओ, बना देंगे, बताओ क्या बनाना है? अरे भाई साहब, एक ही इतना भारी पड़ रहा है, टैटू निकलवाना है। हमारे पास गाय भी है, भैंस भी है, बहुत सारी चीजें हैं, बताइए क्या बनवाना है आपको? हमें टैटू निकलवाना है। टैटू छपवाना है? सुनिए, हमें टैटू छपवाना है। अच्छा अच्छा अच्छा, टैटू निकलवाना है जी। वेरी नाइस, वाओ, नहीं निकलेगा। क्यों ना निकल सकता है? अरे घर कैसे जाएगा वो? सेठ जी, ये मेहंदी नहीं है कि निकल जाए, टैटू है, इसे निकालेंगे छाती निकालकर अलग करनी पड़ेगी। अबे तो ऐसा टैटू बनाता क्यों जो निकल ना पाएगा, पूरी जिंदगी गाली खाएगा क्या वो? जब कह रू नहीं निकल सकती तो नहीं निकल सकती, टैटू है टैटू, मेहंदी नहीं है। पे ऐसे कैसे ना मिटेगा, मैं तेरी जान ले लूंगा, बता रहा हूं। अरे सेठ जी, एक सेकेंड शांत हो जाइए प्लीज। अरे ऐसे कैसे शांत हो जाइए, इसे क्या पता क्या मुसीबत तो रखी है। आपको पता है? अरे मुझे ना बताओगी है? मुसीबत इतनी बड़ी हो रखी है, तभी तो तू आया है इसे टैटू निकलवाने के लिए है? जी बिल्कुल सही कहा आपने सेठ जी, अभी तो हमें ये लग रहा है कि शर्ट पहनने का ना रिस्क लेना ही पड़ेगा। सोचना भी मत, बिल्कुल भी मत सोचना कि दिल्ली में पैंट शर्ट पहन के इसके कहर से बचा जा सकता है। पहाड़गंज से रमेश यादव ने अपनी जिद का खामियाजा भुगता, वो निकले जॉगिंग पर जॉगिंग सूट पहन के, लेकिन जॉगिंग सूट वापस ना आया, इस बार वापस आया उनका कच्चा बनियान। सावधान रहिए आप भी तमाचा मार सनकी के चेतावनियों से, खुल के देखो न्यूज के साथ जुड़े रहिए। जी सही बता रहे हो कि फ्री के खाने में मजा बहुत आता है, कसम से। नहीं, मेरे कहने का मतलब है जब तू अपने हाथों से खाना बनाती तो कसम से बता रहे हो इतना जबरदस्त जायका आता है कि जिंदगी मस्त हो जाती है, बहुत ही जबरदस्त बनाती है तू खाना। वाह वाह मम्मी, वाकई में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बनाया? शाही पनीर। जा जाके पिंटू और पंचम को बुला ला। हाँ क्यों, वो लोगों ने अपना खाना बनाया होगा। दीदी मेरी बात सुन,
नौकरों को मुफत खोरी की आदत मत डाल, समझ गई? पता चला चुपके चुपके हमारे राशन कार्ड में अपना नाम घुसेड़ दिया। बात को ना समझती, समझदारी वाली बात बता रहे, तुझे समझ ले। हाँ। अरे तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? बेचारी पिंटू उस दिन रो रो के बता रही थी कि हमारी तो पनीर खरीदने की औकात ही ना है, और जब भी हमें पनीर खाने का मन करता है तो हम किसी ढाबे के सामने चले जाते हैं और उसकी खुशबू लेते हैं। कितनी गरीबी में गुजारा कर रहे हैं दोनों, पता है क्या? क्या कह रही है जी? जी पिंटी जी को पनीर पसंद है? उन्होंने मुझे बताया नहीं कभी, वरना मैं अपने हाथों से ना जिंदगी भर उनको खिलाता रहता। कैसी बातें कर रही हो तुम्हें? नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है, गरीब लोग हैं तो पुण्य तो करना चाहिए ना जो आदमी को, है कि नहीं है? मम्मी सुनो ना, वो क्या ना कि मुझे ना शाही पनीर बहुत पसंद है, और आप ना उन्हें फिर कभी बुला लेना। आज ना सारा पनीर मैं ही खाऊंगी, किसी को नहीं दूंगी। ओके? अरे ढेर सारा बनाया इलायची, और तू खाती ही कितना है, चिड़िया की तरह तो चुभती है दाना ये। तू जा रही है कि मैं जाऊं बुलाने के लिए? अरे नहीं नहीं, एक मिनट, चली गई, बस जा रही हूँ। हाँ चली गई, यहीं पे तो है। उफ़, अब चली गई। जीजी, ये जीजा नजर ना आ रहा है, क्या व्रत रख लिया है? नजर ही ना आ रहा हमें आज, क्या बात है भैया? आधे घंटे से गुसल खाने में घुसे पड़े हैं, पता नहीं क्यों ना है। मैं जरा देखती हूँ। आधा देख के फटाफट मैं तो खुशबू ले लूँ। इलायची के पापा क्या कर रहे हो? घिस रहे आओ। हैं? अरे आधे घंटे से क्या समाधि लगा के बैठो? खाना ठंडा हो रहा है। अरे आ रहा हूँ, तू जा। ये क्या घिसने की आवाज आ रही है? क्या कर रहे हो? अरे क्या दरवाजे में खड़ी खड़ी जासूसी कर रही है? मैं लगाना जा तू। मैं कोई जासूसी ना कर रही हूँ, मेरे तो भाग्य फूट गए। जल्दी आ जाओ। बहुत बदतमीज आदमी है, बीवी से कोई ऐसे बात करता है जैसे कर रहा है। फोड़ डालूंगा एक दिन। ओहो, ये टैटू कैसे निकालूं? इस तौलिये में तो मेरी पूरी इज्जत की बखिया उधड़ जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि करू अपने हाथ में चाकू, बेलन, छुरी, ना जाने कौन कौन से हथियार ले आए। मुझे टैटू निकालना ही पड़ेगा। साले मच्छर पालता है क्या तू घर में? अरे मच्छर बच्चर छोड़ भाई, भाई पहली बार अपने जनानेपन का, मतलब अपने नकली औरत होने का फायदा मिला। यार सच बता रहा हूँ भाई, साड़ी ब्लाउज ने मेरी इज्जत बचा ली, नहीं तो तेरी तरह ऐसे याद नंगे बैठे होते। जल कुकड़े, तू जल रहा ना? अबे हमें कोई डर ना आगल पागल का। साले मच्छर की जगह ना तेरी गर्दन होगी मेरे हाथ में, बता रहा हूँ मैं तुझे। चल कुकड़े, पास मत कर पिंटू। पिंटू भाभी खोलो ना यार। जीजाजी छत पर है? जी लाइसी जी, जीजाजी छत पर हैं और अपने चुड़ैल जैसे शक्ल वाली बीवी को ना बस धक्का मारने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और सोच ही रहे हैं कि इरादा एक दिन पक्का कर ही देंगे अपना। अरे फालतू बात ना कर, अभी तेरा मुंह तोड़ देंगे। मेर से फालतू बात मत कर, अपना चुपचाप सेब खा ले, बता रहा हूँ मैं तेरे को। लड़ना बंद करो ना यार। लाइसी जी समझाइए ना। टैटू कितना प्यारा है जीजा जी, ओ गॉड, कितने मन से बनवाया था, और अब यकीन नहीं हो रहा है कि इसको ही देखने में, मतलब ना आंखें तरस जाएंगी मेरी, देख ही नहीं पाऊंगी उस बेवकूफ पागल की वजह से। अरे मतलब ऐसा ही हो गया जैसे कि ताजमहल बनवाया, उस पर पर्दा डाल दिया। नहीं ये इंसाफी है, नहीं ना इंसाफी है भाई, ये तो कोई। एक सेकंड इलायची जी, आप शांत हो जाइए, कुछ नहीं हुआ, आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो जो पागल है एक दो दिन में पकड़ा जाएगा, आप क्यों टेंशन ले रही है? और वैसे भी हम तो सारा टाइम बरसाती पे रहेंगे ना, क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है? मतलब फर्क पड़ता है मम्मी को, क्योंकि मम्मी ने अभी आप लोग को ना नीचे बुलाया है। हमें? पर क्यों?
इलायची जी आपको तो पता है हम इस हालात में नीचे नहीं जा सकते, अगर उन्होंने हमारा टैटू देख लिया तो हमें धक्के मार के लात मार के बाहर निकाल देंगे। मुझे मत बोलिए, ये जो पिंटू भाभी है ना, उनकी चटोरी जबान का कसूर है ये। मम्मी को क्या जरूरत थी ये बोलने की कि आपको पनीर खाना है, उन्होंने फरमाइशें कर दी ना, मम्मी ने पनीर बना लिया, अब तो बुलाए के मतलब बुला ही रही है, आपको जाना ही पड़ेगा नीचे। इलायची जी ये ना एक नंबर का भुक्कड़ आदमी है, जहाँ जाता है बस रोटियां तोड़ने के लिए मांगता रहता है। अबे वो गरीब इंसान, अरे साले आदमी कब तक लौकी टिंडे पे जिंदा रहेगा है? कुछ तो अच्छी चीजें खाया ना खाएगा। तेरी इलायची जी सुनिए, आप नीचे जाके प्लीज आंटी जी को बता दीजिए कि हम नहीं आ सकते, कोई बहाना लगा दीजिए, क्योंकि आपको पता है। क्या पता है मुझे, सारे बहाने फ्लॉप हो गए हैं। उन्होंने मुझे प्रिसाइसली बोला है कि अगर वो लोग नहीं आएंगे तो वो आ जाएंगे ऊपर आप लोगों को पनीर देने के लिए, अब बताओ मैं क्या करूं? अरे पर इलायची जी आप जानती है ना, ऐसे कैसे आप कुछ भी बहाने लगा दीजिए ना, आप बोल दीजिए, आप इतने अच्छे तो बहाने लगा दिए आप। अरे मुझे नहीं पता मैं क्या करूं यार जीजाजी, लाइफ में टंटे हो रखे हैं और आई लव दिस टैटू बेबी। थैंक यू बेबी।